So here we come, the one of the last stations, NJP. दस का एक दस हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द अनदर डे. सो अभी के करंट अपडेट्स अगर देख के पता लग रहा होगा आपको क्या कुछ है. रात को मैंने बोला था यार थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसकी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था. तो अभी फिर भी बेटर फील हो रहा है. मैंने क्या किया था एक्चुअली, जो मेरी जो सीट थी ना, अभी देखो बैकग्राउंड से पता लग रहा होगा आपको, तो जो मेरी सीट थी वो मैंने एक्सचेंज कर ली रात में किसी के साथ, क्योंकि उनका पूरा ग्रुप था और मैं अकेला था. दैट्स व्हाई बीइंग अ नाइस पर्सन. क्या बोला तूने? बीइंग अ नाइस पर्सन. जस्ट देन यहाँ से सारे जो भी खाना वगैरह होता है ना यहाँ से जाता है, तो बहुत सही ठीक ठाक सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं लोग. और ये जो है ये वेटर है भैया, ये यहाँ से सारा खाना लेके जाएंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो गाइज हियर कम्स द फोर्थ मील ऑफ आवर जर्नी. इट्स अ ब्रेकफास्ट ऑफ मॉर्निंग. आपको वेज और नॉन वेज करना पड़ता है, वो जस्ट आप प्री भी कर सकते हो इन टिकट्स व्हेन यू बुक इट ऑनलाइन. बाकी अलग अलग होता है, पूछ भी लेते हैं. ये तो है ब्राउन ब्रेड और वही वो पहले जो मिला था चाय पत्ती वाला किट, एंड ये बेकार सा मैंगो जूस. एंड इसमें आता है अगर आप वेज लोगे तो उसमें कटलेट आ जाएगा, नहीं तो नॉन वेज में ऑमलेट आता है. आई प्रीफर नॉन वेज, दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस. सो फटाफट कंप्लीट करके फिर मिलते हैं आपसे. 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं हमें ट्रैवल करते हुए, परेशान हो गया वाला यार. लिटरली 4 घंटे का ट्रिप बचा हुआ है, उसके बाद हम गुवाहाटी पहुंच जाएंगे. सो व्लॉग में बने रहिए और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और थोक के. 2 hours later. लास्ट गाइस वी रीच आवर डेस्टिनेशन एंड बात कुछ ऐसी है कि इवेंचुअली कोई लेने वाला नहीं है. तो किया था मैंने बट ये कोई फ्री नहीं है और कुछ लोग ऐसे जिनको सरप्राइज देना है, दैट्स वाई इतनी इधर ख़त्म हो रही है. तो ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके बताना. ये ऐसा है कुछ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ना, मस्त सेक्सी वाला. लास्ट गाइस हम घर पहुंच चुके हैं. जस्ट फीलिंग द हीट यार, यहाँ गर्मी नहीं है ना सर्दी है, ह्यूमिडिटी है ना इतनी ज़्यादा है ना कि बॉडी में अलग सी चिपचिपाहट सी महसूस हो रही है. मैं तो पहली भी आया हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी जब आपका ऐसे अचानक से क्लाइमेट चेंज होता है ना 2 दिन में ही तो भाई फटके आते आ जाती है. को यही एंड करते हैं. व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना. और घर पूरा एक मैस हो रखा है, अभी पूरा इसको ठीक करना पड़ेगा.
एंड आगे जो ब्लॉग्स आने वाले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग. कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग. राम राम.